परीक्षा तो यहाँ पे चल रही है। कुछ पता है हमारे घर में एक पेट है, देखो। हेलो भैया। लाइक कर दो। टॉप टू बॉटम रेडी हो चुके हैं। तो गाइस एक चीज बोलने लगी थी आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड आई होप भगवान आप पे सारी ब्लेसिंग्स करे, आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो। वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। गाइस घर पे पहुंचे थे लेकिन पता लगा घर पे कुछ बना नहीं है, तो अब हम जाएंगे बाहर घर के लिए खाना लेने। दो भी सब्जी दाल वाल खा लेने ब्लू वाटर ग्रिल, तो वहां पे आपको जाके मिलते हैं ब्लू वाटर ग्रिल पे। पहुंच गए हैं ब्लू वाटर ग्रिल, बट वहां जाके पता लगा कि ब्लू वाटर ग्रिल है बंद, आज खुला ही नहीं हुआ पता नहीं क्यों। तो हम ब्लू वाटर ग्रिल की जगह ले रहे हैं खाना लजीज से, मतलब ये लजीज कबाब एंड करीज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है इसका। बट ब्लू वाटर ग्रिल का हमने सोचा था कि मतलब खाते वहीं से हैं तो वहां से ले लेंगे तो बढ़िया होता, बट वो आज बंद है। तो हो गया पोपट और इस भाई को, ये सामने देख रहे हो इसकी हो गई तबीयत खराब मोमोज खाने के बाद। ओ तबीयत ठीक है भाई, बंदे को रुक ही नहीं रही, आ ही जा रही है। अब इसका खाना और नहीं हो पा रहा नहीं आज हम, तो अब पता नहीं कब तबीयत ठीक होगी, बट हाँ आई गेस हो चुकी होगी, तभी इतनी देर से आई नहीं वरना लगातार आई जा रही थी। तो अब घर जाके आपको दोबारा मिलेंगे, खाना ले लिया लेकिन हाँ आइसक्रीम भी लेनी है अभी और उसके बाद घर जाएंगे। भाई ये अंकल हॉर्न ही नहीं मारी जा रही, हॉर्न ही नहीं रुक रहा, तुमको बीच रोड पे आ रहा है, चलना उसको ले वहाँ पे ले उसके बाद। अभी मिलवा के अंकल से बात करते हो, अंकल जी तो गिरने लगे थे अभी। मोर की आइसक्रीम दे दो। कैसे हो, क्या हाल चाल है? हेलो तो बोल दो एक बार, शर्मा क्या रहे हो यार। इस घर आ चुके हैं इतना सब कुछ लेके, मतलब छोटे घर में जो छोटा बच्चा होता है काम उसको करने पड़ते हैं, तो कोई नहीं सारे काम हुए, एवरीथिंग डन, अब खाएंगे और फिर आराम से सो जाएंगे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, न्यू डे न्यू मॉर्निंग एंड एवरीथिंग न्यू। तो गाइज एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है, आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया ही होंगे। तो आज का भी कुछ प्लान नहीं, आज गणेश चतुर्थी है तो देखते हैं आज क्या करेंगे, मंदिर जाएंगे या फिर गुरुद्वारे जाएंगे, क्योंकि कल जो इसके बाद मैं जाता हूँ ऑफिस, दोस्त मेरा उसका कल से ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मनसा है थोड़ा गुरुद्वारे जाने का, तो आज कोई फोर्ट वगैरह तो नहीं, गुरुद्वारे होके आएंगे शीशगंज साहिब चांदनी चौक में जो है, तो देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है जो भी आपको दिखाएंगे। और आज छुट्टी थी गणेश चतुर्थी की, तो हमारी फूफी घर पर आज। हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए सर। आपकी फोटो अच्छी लग रही है। थैंक यू, ये हमारी बेटी ने दी थी, हमारी बच्ची। देखो मियां बीबी। तो यही प्लान है, मम्मी जा रही है अभी कुछ काम कराने, फिर हम गुरुद्वारे जाएंगे और रात को अगर मम्मी टाइम से वापस आ गए तो दिखा देंगे, वरना हम आपको जो है क्या कहाँ जा रहे हो पूछ लो, कहाँ जा रहे हो? मम्मी जा रही है कहाँ पे? मामी जी के घर। तो मिलेंगे अब आपको सीधा तैयार होने के बाद। हमारी फूफी अब निकल रही है, देखो फिर से किचन में खड़ी है। अब फूफी के निकलने क्या हो गया, अब फूफी के निकलने के बाद हम भी तैयार होंगे और हम भी जाएंगे गुरु के द्वार। पापा अंदर सो रहे हैं क्योंकि आज गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, तो उसके बाद मिलेंगे शाम। टॉप टू बॉटम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं रकाबगंज साहिब के लिए चांदनी चौक, और उसके बाद आज हम शायद मंदिर भी विजिट करेंगे क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और भगवान का आशीर्वाद, उनके वर्ड देख देने लेना बहुत, वैसे हर दिन ही जरूरी है बट आज जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मेरे लिए, आई डोंट नो आप जाते नहीं जाते बट आज जाना बिल्कुल चाहिए। तो आज हम आपको मिलेंगे पहले गुरुद्वारे में, उसके बाद मंदिर में। अगर ऐसी ग्रीनरी हर जगह मिल जाए तो मज़ा ना आ जाए। कहा था ना कि जाम और मेरा एक दिल से दिल का कनेक्शन है, पहले रकाबगंज गया था वहां था, बंगला साहिब गया था वहां था, अब यहाँ देखो। मतलब जहां मैं जाऊंगा वहीं जाम मिलेगा, हम फिर रुक गए और धूप इतनी ज्यादा और एक तो गर्मी इतनी, क्या देख रहे अंकल? अंकल खुश हो गए थे। तो भगवान भी कह रहा है व्लॉग बनाना तेरे को, बना मैं भी देखता हूँ कितने जोश से बनाता तू आज। भाई जाम देखो यार। गाइस आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फाइनली पहुंच जाए शीशगंज साहिब, पार्किंग में लगा दी है गाड़ी, मतलब बाइक स्कूटी जो भी, और जहाँ पे आने के 15 मिनट लगते थे अब लगे हैं 1 घंटा 10 मिनट। तो लेट्स सी अब अंदर देखने क्या होता क्या नहीं। Oh
भाई देखो गुरुद्वारे के दर्शन तो हो गए, अब चांदनी चौक आए हैं तो शनि मंदिर जाना तो बनता है, और वैसे भी मंदिर आज जाना ही था, गणेश चतुर्थी है, तो हमने कहा यहाँ तक आए हैं, थोड़ा सा पैदल चल के आगे तक चले जाएंगे। क्या पीछे अंकल देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं अंकल अपने बिजी है। ये देखो ये रहा शनि मंदिर, अब अंदर जाके आपको करेंगे दर्शन। फाइनली मंदिर गुरुद्वारे के दर्शन हो गए, अब घर जाएंगे, दिखाएंगे फूफा फूफी को, वैसे सुबह ही दिखा चुका हूँ, और उसके बाद आज का दिन ख़त्म कर देंगे या फिर बड़ी फूफी को दिखा देंगे, और अब चलते हैं घर एंड कुछ खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे और सो जाएंगे। भैया यार इतना जाम क्यों है यहाँ पे, इतना जाम क्यों है? हैं रेगुलर जाम रहता है। अरे दिल्ली वैली के लिए जाना हो तो कितनी देर लगेगी? ये थोड़ा बाहर ही से निकल जाते हैं, अब यहाँ पे आगे चौक आएगा ना, चौक से राइट है बाएं। मजा आ गया आपसे मिलके, एकदम हम्बल पोलाइट भैया, नाइस वन। लेके कहीं भी आओ दिल्ली में, लेकिन चावड़ी बाजार, सदर बाजार, नया बाजार, इन जगहों पे मत आओ। अंकल तो पीछे से स्कूटी वाले ऐसे देख रहे हैं, अपनी करके आ रहा हूँ, फूल देख लो, फूल नजर है फूल एकदम। भाई अरे 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 क्या हो गया ब्रो? भैया आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। हेलो बोल दो एक बार। हेलो भाई, आप समझ आ रहे हैं मास्क की नीड? इतने गंदे गंदे मसाले हैं ना, छींक नहीं रुक रही यहाँ पे। और ये पता नहीं लोग रहते कैसे हैं, समझ नहीं आ रहा यार, बहुत ही ज्यादा जाम हो गया है, एक बार पूरा जाम देखो। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया। इतना जाम क्यों यहाँ पे? वो तो रोज जाम होती है। जो सब सबका फर्क यार, जाम ही जाम, एक किलोमीटर में आधा घंटा लग गया आज। वो सर अभी तो बहुत जल्दी में आ गई, आधे घंटे लग गए भाई। चांदनी चौक से वापस निकल के ना ऐसा लग रहा है एक अलग ही दुनिया से बाहर निकल आए हैं, इतना जाम, इतना जाम, मतलब एक घंटा आना, एक घंटा जाना और आधा घंटा अंदर, मतलब अगर तुम जा रहे हो तो तीन घंटे लेके चलो, अगर सिर्फ को सिर्फ गुरुद्वारे जा रहे हो, मतलब मैंने पटेल नगर से बताया, वैसे अपने वहां से तुम देख लेना, बहुत ही ज्यादा भीड़। देखो चला के कैसा लगा? कह रहा है मैं नहीं देखूंगा। चलो ठीक है, भैया ने कहा हवा तो कम थी नहीं, हवा भरवाने रुके थे, अब चलते दोबारा घर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब घर, चाबी दी हुई थी बड़ी फूफी को, बड़ी फूफी से लेंगे चाबी। ओए बड़ी फूफी तो फोन पे लगी हुई है। हेलो बोलो एक बार। हेलो। हेलो कैसे हो? पूछो इनसे कैसे हो, बोलो लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, डू हिट लाइक बटन, बोलो। ठीक हूँ, कैसे हो? चलो बड़ी फूफी से तो पूछ लिया क्या कर रही थी, और अब चलते हैं घर, चाबी ले लिया घर पे, यार नहीं बैठा, आने वाले होंगे, टाइम से आ जाते हैं तो ले लेंगे ना ब्लॉग में, वरना अपना कर देंगे ब्लॉग को। एक और चीज़ पता है, हमारे घर में एक पेट है जो ना भौंकता है ना काटता है, लग रहा ना एकदम असली। ये देखो आपको दूर से दिखाते हैं, जरा रुको, ये देखो, अगर कोई ऐसे घुस के आ रहा है तो उसको ये पेट रियल लगेगा या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना, बट मुझे तो लगता है वैसे कुछ भी कहो, और इसके साथ जो खेलता हूँ ना भाई, ऐसे कभी कुछ कभी कुछ कभी यूँ कर रहे हैं, मतलब रियल पेट तो घर वाले ने, पापा ने, मम्मी ने पालने दिया, पापा मम्मी यानी कि फूफा फूफी ने पालने दिया, कल संभालेगा कौन, दोनों ऑफिस भी जाते हैं हम, तुम ऑफिस स्कूल जाते हो कॉलेज जाते हो संभालेगा कौन, तो वो प्लान तो कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने कहा चल तू यही संभाल ले कोई बात नहीं, इसे ही पाल ले और समझ ले रियल है। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज बहुत ज़्यादा बढ़िया दिन गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि इतनी ज़्यादा जाम, इतनी ज़्यादा भीड़ पहली बार ही देखी होगी मैंने, तो चावड़ी बाजार नया बाजार में गया ही पहली बार था, तो मेरे को पता नहीं था इतनी जाम है, पहले मैं सोचता था गाड़ी लेके चले जाऊँ, बट शुक्र है थैंक गॉड मैं गाड़ी लेके नहीं गया, और आज बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई। लेकिन हाँ जैसे कि मैंने कहा था मंदिर गुरुद्वारे दोनों जाएंगे, तो हम दोनों गए, दोनों विजिट करें और दोनों के दर्शन आपको भी कराएं। तो बस गाइस यही था आज के ब्लॉग में, फूफा फूफी हो जाएंगे लेट वरना दोबारा उन्हें ब्लॉग में लेते, और तो अब एडिट करना है फिर उसके बाद डालना भी है, टाइम लग जाएगा। तो बस गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू टुमारो विद अनदर वीडियो, अनदर ब्लॉग, एंटिल टाइम स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय 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 बाय, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो नानी जी के कहने पर कर देना, तो बाय 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 बाय।